इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपने टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करना है आर्डिनो के साथ। तो उससे इसके लिए सबसे पहले हमने जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले उसको उसकी जो लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड करना, वो हम यहाँ से करते हैं। स्केच में जाना, उसके बाद हमने लाइब्रेरी इंक्लूड में जाना और यहाँ से क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल पे क्लिक कर देना, वो वहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने इसको पिन असाइन कर देनी है, एक को इनपुट ज़ीरो कर देनी है और इनिशियलाइज जो है इसको बी कर देनी है एक को, और जो सेंसर पिन है वो हमने A0 रखनी है। अच्छा, उसके बाद जो फैन को हमने पिन असाइन करनी है वो हमने पिन नंबर 13 करनी है। उसके बाद जो मिनिमम टेम्परेचर है वो हमें 28। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल की जो LCD है उसकी हमने जो पिन यूज़ करनी है वो हमने यहाँ पे उसको असाइन कर दी है। हमने 12 करनी है, 11 करनी है, 4, 5 और 3, 2। उसके बाद हमने जो है LCD यूज़ किया उसकी हमने जो है शोग्रा जो हमने LCD यूज़ किया उसकी हमने रोज़ और कॉलम जो है उसके हमने शो करवा देना है, वो कितनी रोज़ है उसके कॉलम में, और वो 16 × 2 किया। उसके बाद हमने जो है पिन मोड फैन आउटपुट रख देना, पिन मोड है उस पर हमने फैन आउटपुट उसको दे देनी है। अच्छा, ए जो इक्वल है वो एनालॉग डिजिटल एनालॉग रीड है, ये जहाँ पर हमने ये रखा है इज इक्वल टू 0, यानी कि ये एनालॉग सिग्नल है। अच्छा, उसके बाद सेंसर पिन, ये इसने गेट द टेम्परेचर, इस जो सेंसर पिन से इसने ऐसे टेम्परेचर हासिल होगा वो इसने इस पिन पे हमें मिलेगा, और बी इज इक्वल ए इज इक्वल टू इफ बी जो है मिनिमम हो गई है, जो बी वाली पिन में उस पर जो हमारा सेंसर की जो टेम्परेचर हमें काउंट होगा, जो बी हमने जो असल में सेंसर यूज़ किया तो उसका द टेम्परेचर लोअर दैन द मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर हमने क्या दिया 28 डिग्री दिया हमने। अगर हमारा टेम्परेचर मिनिमम होता है, इफ बी जो है वो छोटा है मिनिमम टेम्परेचर से, तो तब डीटर फैन करवा दें लो, यानी कि फैन को बंद करवा दें। यानी जो मिनिमम टेम्परेचर है जो हमने बी पे सेट कर दिया वो हमने सेट किया था 28, और अगर हमारा टेम्परेचर कम ज़्यादा हो गया उससे जो हमने मिनिमम टेम्परेचर सेट किया था 28, तो सॉरी अगर हमारा टेम्परेचर जो है उससे कम हो गया तो तब इसको लो करवा दे। हाँ बिल्कुल, अगर हमारा टेम्परेचर 28 मिनिमम टेम्परेचर हमने 28 दिया उससे कम हुआ तो तब उसको फ़ैन को लो करवा दे, यानी उसको बंद करवा देगा और सेट कर्सर 0 0 हो जाएगा। उसके बाद हमें प्रिंट जो LCD पे प्रिंट कराएगा वो हमें कराएगा फ़ैन इज़ ऑफ, और इफ़ अगर जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर है वो हो गया है ज़्यादा, यानी हमने जो उसको टेम्परेचर दिया मिनिमम के इतना टेम्परेचर होना चाहिए, अगर इतना इस 28 टेम्परेचर से हमारा टेम्परेचर हो गया ज़्यादा तो वो डिजिटल राइट जो है एनालॉग सेंसर उसको वैल्यू जो एनालॉग सेंसर है उसको एनालॉग सिग्नल देगा और डिजिटल राइट फैन हाई, और वो फैन वाली पिन पे हाई का सिग्नल देगा, यानी पिन नंबर 13 पे। जैसे पिन नंबर 13 पे हाई का सिग्नल देगा और जो सेट कर 0 0 पे हो जाएगा और LCD प्रिंट करा देगी कि फैन इज ऑन। अच्छा, इसी को हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। ये हमने सर्कल बनाया हुआ है, उसमें ये ड्रेनो है, उसके बाद हमारे पास ये फैन लगा और डायोड है और LCD है, के बाद ये हमारे पास वोल्टेज आउटपुट और यहाँ है, अब सेंसर भी कह सकते हो उसे। अच्छा, यहाँ पे हमने जो फाइल देनी है वो हेक्स फाइल देनी होती है, जो हमने सर्किट बना लिया ड्रेनो पे जैसे हम अभी से करते हैं, इसको हमने वेरीफाई करना बनाने के बाद प्रोग्राम सारा लिखने के बाद, जैसे हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ये इसको वेरीफाई करेगा, अगर इसमें कोई एरर है प्रोग्राम में तो वो हमें बता देगा कि प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं है। उसके बाद ये बटन अपलोड का होता है, तो अभी हम अपलोड नहीं करेंगे, हम तो प्रोटीज में करेंगे।
चाहिए हमारा प्रोग्राम वेरीफाई हो गया है, उसने बता देगा प्रोग्राम बिल्कुल राइट है, उसमें कोई एरर नहीं। हमने ये जो फाइल है टेम्परेरी फाइल, ये उसके अड्रिनो बोर्ड पे अपलोड करनी होती है, तो हम इस पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से फोल्डर पे और फिर डेस्कटॉप, और ये हमारा जो कंप्यूटर नेम होगा अपडेट आए, ये जो वाला फोल्डर हाइड होता है असल में, इसको आपने शो करवा लेना है हिडन फाइल में जाके, यहाँ पे डबल क्लिक करना और लोकल में जाना, उसके बाद ये टेम्परेरी फाइल में जाना है, और उसके बाद हमने देखना कौन सी फाइल हमने देनी है, ये 20F वाली। अच्छा, ये है 20F वाली टेम्परेरी फाइल, यहाँ पे हैक्स वाली फाइल का हमने सेलेक्ट करके ओपन कर देना और यहाँ से ओके कर देना, और यहाँ पे हमने अभी टेम्परेचर 37 है मीटर जो शो कर रहा है, तो हम देख लेते हैं इसका, तो हम प्ले करते हैं। जैसे हमने प्ले के बटन पे क्लिक किया तो ये हमारा फ़ैन इस वक्त ऑफ है, यानी कि वो हमने जो टेम्परेचर सेट किया गया था वो 28 था, भी 28 से बढ़ गया टेम्परेचर 30 पे, अभी हमारा फ़ैन ऑफ है। तो उसके बाद हम टेम्परेचर को कम करके देख लेते हैं, जैसे हमने टेम्परेचर को कम किया ये हमारा फ़ैन ऑन हो गया और हमारा फ़ैन ऑन हो गया, उसने चलना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही अब ये 27 पे है, यानी कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो फ़ैन ऑन हो जाएगा, इस तरह आप उसको आप प्रोग्रामिंग में चेंजिंग कर सकते हैं, उसको जिस भी टेम्परेचर पर सेट करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा के देखते हैं, 28 था 31 कर दिया, जितना भी करते हैं। उसके बाद हम प्ले बटन पर क्लिक करते हैं और उसने फ़ैन को स्टॉप ही रखा, उसने ऑन नहीं किया।